इंतहाई अफसोसनाक कब्र। मशहूर और खूबसूरत अदाकारा को ब्यूटी पार्लर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। आशिक से इनकार बर्दाश्त न हुआ, मारूफ टिकटॉक स्टार शिवानी की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत हरियाणा में एक हैरान कुन वाकया पेश आया है, जहां 28 जून को हरियाणा के सोनीपत सलून में एक टिकटॉक स्टार मुर्दा पाई गई। शिवानी, जो कि पेशे के एतबार से ब्यूटिशन थी, कि इस शख्स ने जान ली जिसका प्रपोजल इसने मुस्तरद किया। इत्तलात के मुताबिक 20 साला टिकटॉक गर्ल अपनी बहन के साथ मिलकर एक सलून चलाती थी। पुलिस के मुताबिक 28 जून की रात जब इनके साथ काम करने वाला नीरज शहर से बाहर गया, तो शिवानी सलून में अकेली रह गई। इसी दौरान मुलजिम आरिफ सलून पहुंचा और आरिफ ने दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए इसका गला घोट दिया और इसकी लाश को बेड के नीचे फेंक दिया। जब नीरज सलून में वापस आया तो शिवानी की लाश मिली। डीएसपी सिंह ने कहा कि नीरज ने देखा कि सलून में बदबू फैल रही थी। जब वो आहाते में दाखिल हुआ और बिस्तर खोला तो शिवानी की लाश मिली। लड़की के अहले खाना ने पुलिस को आगाह किया कि आरिफ नामी नौजवान इसे हिरासा करता था। आरिफ ने भी इस जुर्म का एतराफ किया है। सीनियर पुलिस अहलकार ने बताया है कि इसने न सिर्फ शिवानी की जान ली, बल्कि इस रात तक इसके अहले खाना के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बातें करता रहा और ये जाहिर करता रहा कि शिवानी बात कर रही है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया शिवानी की हलाकत का ताल्लुक टिकटॉक पर इनकी मकबूलियत से है। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। मुलजिम ने क्राइम टीवी शो से मुतासिर होकर ये मंसूबा बनाया। शिवानी के टिकटॉक पर 1 लाख से ज़ायद फॉलोवर्स थे। शिवानी के वालिद के मुताबिक आरिफ पिछले 3 सालों से इनकी बेटी का पीछा कर रहा था। इसकी वजह से घर भी तब्दील किया, लेकिन वो ढूंढने में कामयाब हो गया। जब पुलिस को बताया गया तो इसने मौसरत कर ली थी, लेकिन इसने कभी भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा और बदला लिया। मुलजिम ने लड़की की जान लेने के बाद इसके मोबाइल से टिकटॉक पर एक वीडियो भी पोस्ट की।